press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भी आप अपने WhatsApp पे फोटो इमेज भेजते हैं और वो फोटो जो होता है उसमें ब्लरनेस आ जाती है और उसकी साइज में हो जाती है भारी भरकम डिकनेसनेस। तो आज आप हमारा वीडियो देखिए, आज है आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो। तो इस वीडियो का कंटेंट का श्रेय मैं देना चाहूँगा चंदन विश्वकर्मा जी को, जिसने ये ट्रिक खोज के निकाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और आप सभी जितने भी दूर के रिश्तेदार हैं, अगर आप फोटो शूट करवाते हैं, आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके फोटो के डिटेल्स की बात करें तो ये देख सकते हैं कैनन का 1300D से 6.17 MB की फोटो ली गई है। अब हम इसे भेजेंगे व्हाट्सएप पे, जो कि मेरा ये देखिए आपके सामने अब आ गया होगा दूसरा स्क्रीन, इसी पे हम लोगों ने ये वीडियो फोटो ट्रांसफर किया। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको करना क्या होगा, अपने फाइल मैनेजर या किसी भी फाइल मैनेजर में जाके आपको इस फोटो के एमबी को जीपीईजी से चेंज करके डेटा में करना होगा, डॉक्यूमेंट में। यहाँ कर देते हैं इसे रीनेम जेपीजी। इधर आपको डॉक्यूमेंट के जगह DAT लगाना है। तो अब इसे एग्री कर देंगे हम और देखेंगे ये अब आ गया है डॉक्यूमेंट फाइल में, देख सकते हैं 6.17 MB। अब करते हैं इसे व्हाट्सएप पे सेंड, खोल देते हैं अपना व्हाट्सएप। तो दोस्तों देख सकते हैं ये फोटो मैंने अपने दूसरे अकाउंट पे भेज दिया है। तो चेक करते हैं व्हाट्सएप अपडेट करके क्या ये फोटो आया। ये अभी सेंड हो रहा है, देखते हैं ये क्या हम इसे 17, नेट थोड़ा स्लो के कारण नहीं है, देखते हैं क्या हम इसे रियल फाइल में गेन कर पाएंगे। तब तक वीडियो मैं कर देता हूँ पॉज और हम अपने सेकंड मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर रखेंगे, क्योंकि आपको कहीं से ये ना लगने पाए कि ये एक फेक वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपको फोटो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल थिंक अबाउट टेक को। और इस वीडियो का श्रेय मैं देना चाहूँगा संयम जी को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे सेकंड स्क्रीन में आ गया ये, अब इसे हम लोग कर लेते हैं डाउनलोड। इस फोन में हो गया है सीन, ये हो रहा है डाउनलोड। अपना जियो जिंदाबाद वाला हाल है इधर। तब तक मैं इस स्क्रीन को कर देता हूँ साइड और अब हम बात करते हैं अपने इस स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं ये फाइल आ गया हमारे पास डेटा के फॉर्म में। तो अब आपको इसको बैक करना है और जाना है फाइल मैनेजर में, माय फाइल्स, और मैं जाऊंगा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद इधर नहीं, ऑल फाइल्स में जाके फ़ोन में जाना है और आप जाएंगे अब व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप और मीडिया पे आप आ सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स आ गया, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट पे। यहाँ एक आपको डेट नाम का फाइल देख रहा होगा 6.17 MB का। तो अब हम इसे करते हैं एडिट, क्लिक करते हैं इस पर, करते हैं रीनेम कर देंगे इसे, डेट हटा के कैपिटल JPG। तो ये हो गया हमारे, रुकिए सॉरी दोस्तों, एक सेकंड के लिए नेम करते हैं इसको फिर से JPG। कैपिटल पी लगा हुआ, कैपिटल पी कैपिटल जी, ये हो गया रीनेम हमारा, इमेज आ गया 6.17 MB का।
अब मैं आपको फोटोज के खोल के दिखा देता हूँ। अगर ये देखिए व्हाट्सएप इमेज है ये एक, और इसकी एमबी की बात करें साइज की, तो ये भी 16.17 का एमबी का ही है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके एकदम अच्छे से, आपको एक एक चीज आप देख सकते हैं फोटो में क्लियरनेस कितना है। तो दोस्तों फोटो हुआ हमारा 1% भी ब्लर नहीं हुआ है। अगर आप अपने फोटो को दूर के व्यक्ति को शेयर करना चाहते हैं बिना फटे फोटो को, तो आप इस ट्रिक का जरूर से जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।